तो फिर फाइनली रेडमी नोट 5 प्रो पर ओरियो अपडेट आ चुका है, तो हम लोग इसी का ही तो इंतज़ार में थे। तो एक दिन पहले फाइनली सोमी की तरफ से रेडमी नोट 5 प्रो में ओरियो अपडेट भेज दिया है। तो फिर आइए देखते हैं रेडमी नोट 5 प्रो में ओरियो अपडेट आने के बाद कौन कौन सी चीज़ चेंजेस हुआ है। तो आइए थोड़ा सा डिटेल्स में जान लेते, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो फिर आपका मोबाइल को अपडेट करने के लिए ऊपर आप अबाउट बटन पर जाओ और सिस्टम अपडेट पर जाओ। तो यहाँ पर आपके सामने लिस्ट आएगा, ओरियो अपडेट 1.5 GB का है। तो ओरियो पर अपडेट करने के लिए आप किसी वाईफाई पर जाके अपडेट कीजिए। अगर आपके पास जियो का 1.5 GB डाटा है तो शायद कम पड़ सकता है, आप कोशिश करो वाईफाई पर जाके अपडेट करने की, नहीं तो आपका जियो का सिर्फ डाटा लॉस होगा। तो फर्स्ट ऑफ नोटिफिकेशन बार में कुछ चेंजेस आया है, देखिए थोड़ा सा अलग दिख रहा नोटिफिकेशन बार। यहाँ का जो कलरिंग वगैरह था वो बिल्कुल चेंज हो चुका है। और फिर जो दूसरा पॉइंट है, अगर आपका मोबाइल को आप लॉक करते हो तो देखिए थोड़ा सा साउंड चेंज हुआ है। तो फिर जो तीसरा चेंजेस है, अगर आपके मोबाइल पर फेस लॉक है तो आपके लिए गुड न्यूज़ है, क्योंकि अभी फेस लॉक के जरिए आपका मोबाइल का अनलॉक होने का टाइम बहुत ही कम लेता है, और थोड़ा लो लाइट कंडीशन पर भी आपका मोबाइल फेस लॉक के जरिए अनलॉक हो जाएगा, तो काफ़ी गुड न्यूज़ है आपके लिए। तो फिर नेक्स्ट जो चेंजेस है वो आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ है, तो इस मोबाइल पर अभी फास्ट चार्ज देखने को मिलेगा। तो चलो यार यूज़र के लिए गुड न्यूज़ है। तो फिर नेक्स्ट जो चेंजेस है, आपके मोबाइल पर ओरियो अपडेट करने के बाद यहाँ पर से कुछ कुछ एप्लीकेशन का लोगो चेंज हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर आप फ्लिपकार्ट को ही देख लो, इनका जो लोगो है एक बिल्कुल चेंज हो चुका है, ठीक है देखो। तो फिर मोबाइल का जो स्पीड है यहाँ पर किसी भी तरीके का परिवर्तन नहीं है, बिल्कुल वही का वही। तो अगर हम लोग यहाँ पर बात करते हैं कैमरा के बारे में, तो कैमरा को अगर हम ओपन करते हैं तो बिल्कुल पहला जैसा था वही का वही रहेगा। तो चलो एक फोटोशूट कर लेते। तो चलिए अगर हम लोग यहाँ पर पोर्ट्रेट मोड को ऑन करके फोटोशूट करते हैं तो कैसे होगा आप लोग देखो। तो ये मैं नाइट पर शूट कर रहा, तो कर दिया है ऑन पोर्ट्रेट मोड को। तो फिर देखिए ये है पोर्ट्रेट मोड का फोटो, ये दोनों पोर्ट्रेट मोड का फोटो है और ये जो है विदाउट पोर्ट्रेट मोड। तो गाइस अगर हम यहाँ पर बात करते हैं सेल्फी कैमरे के बारे में, तो आप ही देख लो सेल्फी कैसे आता है अभी। तो गाइस देखो ये बिल्कुल नाइट में शूट है, सेल्फी तो बहुत ही कमाल का है लेकिन ओवर व्यू ज़्यादा है। चलो ठीक है कोई बात नहीं। तो फिर यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं कि कैमरे पर किसी भी तरीके का चेंजेस नहीं है। तो गाइस ये था कुछ चेंजेस आपके रेडमी नोट 5 प्रो को एंड्रॉयड ओरियो पर अपडेट करने के बाद ये चेंजेस होगा। तो अगर आप चाहते हो आपके Redmi Note 5 Pro को Android वर्जन को अपडेट करने की, तो आप सेटिंग पर जाके सिस्टम अपडेट पर जाके आप अपडेट कर सकते हो। तो फिर मैं वीडियो के आखिर पर उम्मीद करते हूँ आपको ये वीडियो किसी ना किसी हेल्प किया होगा। अगर आपको हेल्प किया है तो आप इस वीडियो को एक बढ़िया लाइक कीजिए। अगर आप ऐसे ही टिप्स एंड ट्यूटोरियल वीडियो पढ़ना चाहते हो तो आप हमारी और आपकी कंप्यूटर एंड एंड्रॉइड टिक्स यूट्यूब चैनल को इस रेड सब्सक्राइब बटन पर प्रेस करके तुरंत सब्सक्राइब कर लेना। अगर आप नया हो तो आप इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करो, क्योंकि आपको इस चैनल से मिलेगा पेपल के बारे में हर टिप्स एंड ट्रिक्स वीडियो, कैसे आप पेपल कैसे अर्न कर सकते हो, ये सारी के सारी ट्रिक्स के बारे में। और बगल में जो बेल की बटन है वो भी दबा देना, ताकि मेरा नया नया वीडियो का गेट इंस्टेंट नोटिफिकेशन आपको भी मिले। तो आइए मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो पर रेडमी नोट 5 प्रो का और भी टिप्स एंड ट्रिक्स वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए आप खुश रहे, अच्छे रहे, गुड बाय।